आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बस्ती एसपी आशीष श्रीवास्तव एएसपी दीपेन्द्र चौधरी के निर्देश पर कुख्यात एटीएम चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे। सीओ हरिया शेषमणि उपाध्याय के नेतृत्व में एसओ छावनी दुर्गेश पांडे को मिली बड़ी सफलता। एटीएम ठग ने गर्लफ्रेंड पर खर्च किए 3 करोड़। एसओ छावनी दुर्गेश पांडे, एसओजी टीम प्रभारी रोहित उपाध्याय ने टीम के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त बजरंग बहादुरपुर उर्फ सावन सिंह को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 12 बोर, एक टाटा सफारी कार ₹1,950 बरामद किया। कुछ दिनों पहले पैकुलिया पुलिस से बचकर टाटा सफारी से भाग गया था अभियुक्त। अभियुक्त का 10 किलोमीटर पीछा करने पर बस्ती जिले के छावनी थाना के हनुमानगंज तिराहे के पास हुई अभियुक्त की गिरफ्तारी। गिरफ्तार करने में एसआई ओम प्रकाश मिश्रा, एसआई वीरेंद्र यादव, कांस्टेबल राजा राम यादव रहे शामिल। एसओजी टीम के अनंत यादव, करमचंद, साजिद जमाल, गजेंद्र प्रताप सिंह, सुनील चौहान, अभिषेक सिंह रहे शामिल। बस्ती से हमारे संवाददाता विवेक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। एक बैंक के एटीएम को बदलकर ठगी करने वाला एक गिरोह थाना क्षेत्र परशुरामपुर और सर्किल हरैया क्षेत्र में ही सक्रिय था, जिसने 16 अगस्त को थाना पैकुलिया क्षेत्र में और 18 अगस्त को थाना परशुरामपुर क्षेत्र में बैंक का एटीएम बदलकर लोगों के साथ फ्रॉड किया था और उस पर हमारी टीम काम कर रही थी। और जब वही गैंग 26 अगस्त को बभनान बाजार में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था तो उसकी सफारी गाड़ी से वो लोग भागे थे और हमारी टीमों ने एसओजी टीम थी और तत्कालीन थाना प्रभारी पैकुलिया जो वर्तमान में एसओ छावनी है दुर्गेश पांडे और एसओजी टीम रोहित उपाध्याय के नेतृत्व में उसका पीछा किया गया था और कई थानों की पुलिस लगी थी, लेकिन उस बार चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। और हमारी टीम एसओजी टीम रोहित उपाध्याय के नेतृत्व में और एसओ छावनी दुर्गेश पांडे की टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। हम लोग लगातार काम कर रहे थे, अगस्त से ही लगे हुए थे इस मैटर को। तो उसमें आज इसका एक आरोपी जो बजरंग बहादुर उर्फ सावन सिंह पुत्र राज प्रताप सिंह निवासी करमचंदपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है, वो अरेस्ट किया गया है और उसके कब्जे से जो इसमें अपराध में प्रयुक्त टाटा सफारी सफ़ेद रंग की गाड़ी वो भी बरामद हुई है और एक 12 बोर का तमंचा और एक 12 बोर का कारतूस भी बरामद हुआ है। और पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि ये अपने साथियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की अब तक इस प्रकार की घटना कर चुका है और काफ़ी पैसा इसने इकट्ठा कर। सर, इनके गिरोह द्वारा क्या अन्य जनपदों में भी ये कार्य किया जा रहा था? इनके गिरोह के द्वारा गोंडा, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और अन्य प्रदेशों में भी ये इस तरह की घटना करते थे, लोगों का एटीएम बदल के, और ये बहुत बड़ा फ्रॉड करते थे। बस्ती के पैकुलिया थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दो समुदायों के बीच हुआ जमकर विवाद। लड़की की तबीयत खराब होने का एक दूसरे समुदाय के परिवार पर आरोप। बीमार लड़की के घर वाले बीमारी को बता रहे पड़ोसी ने किया दुआ भभूत। मिट्टी देकर लौट रहे दूसरे समुदाय के लोगों ने जमकर मचाया उत्पात। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एएसपी दीपेन्द्रनाथ चौधरी ने लिया घटना को संज्ञान। एएसपी दीपेन्द्रनाथ चौधरी ने गांव में पहुंचकर दोनों पक्षों से की पूछताछ। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दर्ज किया एफआईआर। यह पूरा मामला बस्ती जिले के पैकुलिया थाना क्षेत्र का है। बस्ती से हमारे संवाददाता विवेक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ग्राम ऐनपुर है जो थाना पैकुलिया का एक गाँव है, इसमें कल शाम को दो पक्षों में विवाद हुआ है। राम जन्म यादव और मोहम्मद आदिल जो कि आपस में पड़ोसी भी हैं। राम जन्म यादव के परिजनों का यह आरोप है कि आदिल पक्ष के लोगों ने उनके परिवार पर कुछ जादू टोना कर दिया है और इसको लेकर के कल उनमें विवाद हुआ है। हल्की फुल्की मारपीट भी हुई है और जिसमें कल क्षेत्राधिकारी हरैया और थानाध्यक्ष पैकुलिया ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया था। आज मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज है और इसमें कुछ प्रिवेंटिव अरेस्ट भी की गई हैं। मौके पर यहाँ स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है। शांति व्यवस्था कायम है और अभी वर्तमान में कोई अन्य कोई समस्या नहीं है। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। और हाँ,
हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।